शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी, मेरी फैमिली को दुआएं दी, मेरे अबू जान के लिए बहुत दुआएं की, बहुत शुक्रिया आप सबका। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियां लेकर आई हूं जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का, बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी एहसन शेयर कर रहे हैं। एहसन कहते हैं, मैं भेरा का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपने अबू की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से तकरीबन 15-16 साल पहले की बात है। भेरा से आगे हम लोगों का आबाई गांव भी है, तो अबू अक्सर वहाँ पर जाया करते हैं ज़मीनों वगैरह को देखने के लिए। अभी भी हमारी ज़मीनें वहाँ पर कुछ हैं और वहाँ पर हम लोगों का एक घर है जो बंद रहता है। जब हम लोग भेरा में शिफ्ट नहीं हुए थे तो तब हम लोग उसी घर में रहते थे, लेकिन फिर जब जैसे जैसे स्टडीज़ बढ़ती गई तो हम लोगों को भेरा शहर में शिफ्ट होना पड़ गया और गाँव में हम लोगों का जो वो घर था वो बंद हो गया। कभी हो तो हम लोग वहाँ पर चले भी जाया करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अबू को ज़मीनों पर कुछ नई फसल लगवानी थी तो अबू वहाँ पर 2 दिन के लिए गए हुए थे। अबू कहते हैं कि अभी पहले दिन की बात है, जब मैं वहाँ पर गया तो अबू ज़मीन से डेरे से वापस आ रहे थे। 8 बजे का टाइम था, सर्दियों का मौसम था, वैसे भी गाँव में जल्दी रात हो जाती है और लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, और सर्दी के मौसम में तो बिलखसूस मगरिब के बाद पूरा गांव खाली हो जाता है। अबू कहते हैं, मैं जैसे ही अपनी ज़मीनों से निकला, कच्चा रास्ता था, मैं उस रास्ते पर चलता हुआ आ रहा था। दूर दूर तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, बस दूर फिज़ा में कुत्तों के भौंकने की और बिल्लियों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे जानवरों की आवाज़ें होती हैं। अबू कहते हैं, बहुत सख्त सर्दी थी, मैंने गर्म चादर ली हुई थी ऊपर, और मेरे पास लालटेन थी जो मैं जलाकर वहाँ से आ रहा था, क्योंकि अंधेरा रास्ता था, आबादी थी लेकिन आबादी के घर आगे थे। वो कहते हैं, अभी मैं चलता हुआ आ रहा था, एकदम से मुझे अपने बैक साइड से किसी के कदमों की आहट आने लग गई, जबकि जब मैं अपनी ज़मीनों से बाहर निकला था तो वह सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई भी नहीं था। मैं क्या देखता हूँ कि जब मुझे पीछे चलने की आवाज़ आई तो एक आदमी था, उस आदमी ने भी चादर लपेटी हुई थी और चेहरा छुपाया हुआ था। एकदम से चलता चलता वो आदमी बिल्कुल मेरे साथ होकर चलने लग गया। मैंने उससे पूछा कि कौन है आप, मैंने आपको पहले देखा नहीं, एकदम से आप कहाँ से आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि मैं यहीं पर जामन के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो आपको आते देखा तो मैं भी आपके साथ आ गया कि मैं भी अपने घर की तरफ चला जाऊँगा। अबू ने उसे पूछा कि आपका घर कहाँ पर है, वो अबू से पूछने लग गया कि आप अपने घर में अकेले रहते हैं। अबू ने कहा कि आपको कैसे पता मैं अकेला रहता हूँ, तो वो ये कहने लगा कि नहीं, मैंने आपको 1-2 दफ़ा पहले भी देखा है यहाँ से गुजरते हुए। अबू ने उसका नाम वगैरह पूछा। अबू बड़े हैरान हुए कि मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में गाँव में इस नाम का ना बंदा देखा है ना सुना है, पता नहीं ये कौन है, शायद कोई नया आदमी आया हो। अबू के साथ साथ चलने लग गया। अबू कहते हैं, जैसे मैं लालटेन ऊपर करता था तो वो पीछे हट जाता था और मुझे कहता था कि ना ये रोशनी नीचे ही रखो, मुझे रोशनी अच्छी नहीं लगती। तो अबू ने कहा कि शायद कोई नज़र वगैरह का मसला हो, अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि रात के टाइम जैसे रोशनी को देखते हैं तो फिर उनको कुछ नज़र नहीं आता। अबू ने नीचे कर लिया। अबू कहते हैं, वो मेरे साथ बिल्कुल सही चलता हुआ आ रहा था, लेकिन उसके सांस की आवाज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी। सांस की आवाज़ ऐसी थी जैसे वो अगर कुछ नहीं भी बोल रहा था तो उसकी सांस की आवाज़ गूंज रही थी, जो मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मैंने 1-2 दफ़ा उसकी तरफ पलट कर भी देखा, सिर्फ उसकी एक आंख नज़र आ रही थी और वो आंख भी बहुत ज़्यादा चमक वाली थी। अब वो कहते हैं, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि पता नहीं ये कौन है, ऐसे वीराने से ये मेरे पास से आया है तो ये पता नहीं है कौन। अब वो कहते हैं, जब मैं घर के करीब पहुँचने लगा तो मैंने उसे कहा कि मेरा घर आ गया है, फिर मुलाकात होगी आपसे। वो अबू कहते हैं, मेरे सामने वो अबू का जहाँ पर हम लोगों का आबाई घर था उसकी पिछली तरफ एक पूरी सड़क जाती थी, वो भी कच्चा रास्ता ही था, आधा कच्चा था आधा आगे से जाकर जब मेन से वो कनेक्ट होता था तो वहाँ से वो रोड
बकायदा सड़क बनी हुई थी, उसी तरफ कब्रिस्तान था। अबू कहते हैं मेरे सामने वो बंदा उस रोड पर चल पड़ा कि मेरा घर इस तरफ है, जबकि अबू को पता था उस तरफ आबादी तो है नहीं, उस तरफ तो या मेन रोड लगता है या फिर कब्रिस्तान लगता है। वो कहते हैं कि मैं पहले अपने घर के अंदर जाने लगा, फिर मुझे एकदम से वहम हुआ, मैं घर की दीवार के पास से देखने लगा कि ये आदमी कहाँ जाता है। चलता चलता वो कहते हैं वो आधे कच्चे रास्ते तक गया जहाँ से कब्रिस्तान की तरफ मुड़ते थे। अब वो कहते हैं मेरे सामने वो कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा। अब मुझे और डाउट हो गया कि ये कब्रिस्तान की तरफ क्यों जा रहा है। वो कहते हैं कि मैं तेज़ी से उस आदमी के पीछे जाने लगा कि मैं देखता हूँ ये आदमी जाता कहाँ पर है, इसने तो मुझे कहा था कि मेरा वहाँ पर घर है जबकि उस तरफ तो कब्रिस्तान है। अब वो कहते हैं कि जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास पहुँचा, उस आदमी को मैंने खुद कब्रिस्तान में दाखिल होते देखा। कब्रिस्तान की चार दीवारी नहीं थी, बिल्कुल ऐसे ओपन कब्रिस्तान था, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं कब्रिस्तान के करीब उसको जाते देखा, वो अंदर गया और फिर मुझे नज़र नहीं आया, जैसे गायब हो गया। अबू को बड़ी हैरानगी हुई, वो भागते हुए आगे गए कि मैं जाकर देखता हूँ। उस लालटेन की रोशनी में देखा वहाँ पर ना बंदा था ना बंदे के साथ, वो कहाँ पर गया कोई पता नहीं, गायब हो गया। बहुत ज़्यादा डर गए। अब वो भागते हुए घर आए, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये क्या माजरा देखा है, उनके साथ ये कैसे हो गया। वो कहते हैं कि मैं आया, मैंने पानी पिया, मेरे सर्दी के मौसम में भी वो डर के मारे उनको पसीने आने लगे। अब वो कहते हैं मैंने फ़ौरन से वज़ू किया, वज़ू करके मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़कर खाना खाया, सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। कहते हैं कि जैसे ही मैं सोया, तकरीबन आधी रात का टाइम होगा, तो दरवाज़े पर दस्तक हो रही थी। आज तक अबू कहते हैं वहाँ पर कभी भी कोई नहीं आया इस तरह से, रात के टाइम तो कभी भी कोई नहीं आया। अगर किसी को कोई काम होता था तो सुबह डेरे पर, ज़मीनों पर या घर में आकर गांव के लोग मिल लिया करते थे। दिन के टाइम कोई ख़ास उनकी किसी के साथ मुलाकात भी नहीं हो सकी थी कि किसी को पता होता कि आज अबू आए हुए हैं वहाँ पर। दस्तक ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था, लकड़ी का दरवाज़ा था, ज़ोर ज़ोर से उसको कोई खटखटा रहा था। जैसे ही अबू की आँख खुली तो वो उठे और गौर करने लगे, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई पीट रहा था। उन्होंने पूछा कि कौन है बाहर, तो कोई आवाज़ नहीं आई। दोबारा पूछा कि बाहर कौन है, दरवाज़े तक भी गए तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई खटखट आ रहा था। उनके जहन से वो चीज़ ही निकल गई कि जो रात में उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ था नींद से जाके, तो उनके जहन में इस वक्त वो बात निकल चुकी थी, नहीं तो शायद वो दरवाज़ा खोलते ही ना। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा पटक रहा था लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो कहते हैं कि मैं दरवाज़े से बाहर निकला कि मैं देखता हूँ ये हरकत किसने की है। बिल्कुल साथ भी एक घर था और दूसरी तरफ वो सड़क थी जहाँ से वो आदमी गया था। जैसे ही अबू उस सड़क की तरफ गए तो हम लोगों के घर के कोने के ऊपर काले रंग का एक कुत्ता खड़ा हुआ था। अबू ने जब कुत्ते को देखा, कुत्ता बहुत गुर्रा के अबू की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों से ऐसे शोले निकल रहे थे जैसे पता नहीं जैसे आंखें जल रही हैं। अबू फ़ौरन से घर में भागे कि कहीं हमला ना कर दे, दरवाज़ा बंद कर लिया। बहुत सख्त उनको बुखार हो गया, सुबह आँख खुली तब भी बहुत शदीद बुखार था। उन्हें समझ ही नहीं आई कि मुझे इतना सा बुखार क्यों हो गया। बड़ी मुश्किल के साथ उठे, दोबारा ज़मीन पर गए, वहाँ पर जाकर जो फसल लगवानी थी वहाँ पर वो जो मज़ेरे काम करते हैं उन्हें कहकर वो काम करवाया। तो बातों बातों में अबू ने पूछा कि यहाँ पर इस नाम का कोई आदमी गाँव में आया है, कोई रहता है? तो जो गाँव के मज़ेरे थे वो वहीं पर रहने वाले थे, कहने लगे कि नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा यहाँ पर किसी आदमी को। अबू ने फिर रात वाली सारी बात बताई कि इस तरह से मैं वापस आ रहा था तो ये पास जहाँ पर दरख्त हैं जामन के, वहाँ से एक आदमी मुझे मिला है, मेरे साथ साथ चलता चलता आया, मेरे घर तक आया है। जब मैं आग की रोशनी ऊपर करता था तो डर जाता था, और कब्रिस्तान की तरफ मैंने उसे जाते देखा और वो गायब हो गया। वहाँ पर एक मज़ेरा था, वो बूढ़ा सा था, तो उसका ये कहना था कि जो जामन के दरख्तों वाला बाग है वहाँ पर बहुत सख्त जिन्नात का बसेरा है। रात के टाइम बिलखसूस अगर मगरिब के बाद कोई लेट हो जाए तो वो मुख्तलिफ रूप लेकर अपना आप जाहिर करते हैं। उस बूढ़े शख्स का ये कहना था उसके साथ भी एक से दो दफ़ा हादसा हो चुका है, उसको उसी जामन वाले दरख्तों के पास से पाँच छः साल का एक बच्चा मिला था जो रो रहा था। जैसे ही वो बूढ़ा शख्स उस बच्चे को लेकर गांव की तरफ आने लगा तो बच्चे ने जैसे वो हाथ छुड़वा कर उसने कब्रिस्तान की तरफ भागना शुरू कर दिया। तो जब वो बूढ़ा शख्स कब्रिस्तान की तरफ गया था तो वो बच्चा गायब हो चुका था।
अब्बू को तो इस बात का आइडिया ही नहीं था। खैर उनको बुखार भी था। जैसे ही अब्बू कहते हैं कि मैंने मगरिब से पहले सोचा कि मैं मेरा वापस आ जाता हूँ, वो कहते हैं कि जैसे ही मैं उस जामुन के दरख्त के पास से गुजरने लगा, मेरा सर इतना सख्त भारी हो गया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे उस जामुन के दरख्त जहाँ से वो आदमी रात को निकला था, मुझे बाकायदा किसी ने बहुत ज़ोर से पत्थर मारा, लेकिन पत्थर मारने वाला मुझे नज़र नहीं आया। अब्बू ने फिर वहाँ पर देरी नहीं की, वो सीधे घर आए, घर को बंद किया, वही काले रंग का कुत्ता। आज दिन के टाइम, बल्कि दोपहर हो चुकी थी उस टाइम, असर के बाद का टाइम था, तो वहाँ पर घर के पास अब्बू को खड़ा हुआ नज़र आया। अब्बू ने ना उसकी तरफ देखा ना उसको बुलाया। अब्बू समझ गए थे कि वही गैर मरे मखलूक जिन्नात है जो मुझे अपना आप इस तरह से जाहिर कर रहा है। फ़ौरन से अब्बू वहाँ से निकले और घर वापस आए। अब्बू ने आकर हमें ये बात बताई, हम लोग सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम लोगों का वो जो आबाई घर था वो ज़्यादातर बंद रहता था, और बंद रहने की वजह से वहाँ पर कुछ जन्नात के असरात हो गए थे। हमारे उस घर में भी बेरी का एक दरख्त था, अमरूदों की भी दरख्त लगा हुआ था एक, तो हमें अक्सर हम लोगों के नेबर कहते थे कि आप लोगों के घर से झाड़ू फेरने की आवाज़ आती है, बच्चों के खेलने की आवाज़ आती है, हम लोग समझते हैं कि आप लोग आए हुए हैं। लेकिन हम लोग जब दरवाज़े पर देखते हैं तो ताला लगा हुआ होता है। और उनका जो घर था, वहाँ की ख़वातीन का ये कहना था कि कभी कभार आप लोगों के घर से किसी औरत के बोलने की आवाज़ें भी आती हैं। हम लोगों ने जब ये सारी बातें सुनी, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। फिर हम लोगों का वो जो आबाई घर था, अबू ने वो घर सेल कर दिया, और वो जो ज़मीन थी हम लोगों की, वो हम लोगों ने फिर बाद में ठेके पर दे दी। कभी कभार अबू का वहाँ पर चक्कर लगता है। तो ये मेरे अबू की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया एहसन आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी रज़ा शेयर कर रहे हैं। रज़ा कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों के एक चौकीदार था, उसकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों की जिस तरफ ज़मीनें थी, उस तरफ हम लोगों ने अपना एक फ़ार्म हाउस बनाया हुआ था। बेसिकली हम लोग रावलपिंडी के रहने वाले हैं, और वहीं पर हम लोगों के कुछ ज़मीनें वगैरह थी, वो आबादी से हटकर जगह है, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक फ़ार्म हाउस बनाया हुआ था। कभी कभार हम लोग वहाँ पर गेट टुगेदर या पार्टीज़ वगैरह किया करते थे। जगह काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी खूबसूरत हम लोगों ने उस घर को बनाया था। छोटा सा था लेकिन था बहुत ज़्यादा खूबसूरत, आगे लॉन बहुत बड़े बना दिए थे। तो वहाँ पर हम लोगों का चौकीदार जो था, वहाँ पर हम लोगों ने चौकीदार को रखा कि जैसे घर पर काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ की रखवाली के लिए उसको रख लिया। चौकीदार ने जब वहाँ पर रहना शुरू किया तो उसके साथ वहाँ पर अजीबोगरीब वाकयात होना शुरू हो गए। चौकीदार का ये कहना था कि जैसे ही रात 1 बजे का टाइम होता है, हम लोगों के फार्म हाउस की बैक साइड से एक औरत फार्म हाउस में आती है। वो कहता है कि मैं खुद उसको आते देखता हूँ। उसने पैरों में पायल पहनी हुई होती है। बकायदा वो फार्म हाउस की बैक साइड से आती है, छन छन की आवाज़ आती है, तो मैं चौंक पड़ता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ तो एक औरत होती है। चौकीदार का जो रूम था वो बिल्कुल गेट के साथ ही था, तो जब उसको आवाज़ आती थी तो वो फ़ौरन चौंक पड़ता था, और देखता था तो स्याह लिबास में एक औरत होती थी। कभी उसने किसी और कलर के कपड़े पहने होते थे, ज़्यादातर वो ब्लैक ड्रेस में होती थी, कभी दुल्हन के रूप में भी होती थी। तो वो हम लोगों के घर के अंदर चली जाती थी, बंद कमरों में गायब हो जाती थी। चौकीदार ने हमें ये बात बहुत दफ़ा कही। हम लोग उसे यही कहते थे कि शायद तुम्हारा वहम हो, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा की बात है, चौकीदार कहता है कि रात का टाइम था, तो फिर वही आवाज़ें, किसी औरत की ऊंची आवाज़ में हंसने की आवाज़ें आ रही थी लॉन में, जैसे कोई कैके लगा रहा है। तो जैसे ही मैं अपने कमरे की खिड़की में से मैंने देखा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लिबास में एक लड़की, बाल खुले हुए थे, तो बिल्कुल चलती हुई घर की तरफ जा रही थी, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे को लेकर जब वो जाने लगी, तो मैंने जब उसे देखा तो मैं भागता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला। इतने में वो हम लोगों के घर के अंदर जा चुकी थी। उसने ये कहा कि मैं आज देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है जो इस तरह से गायब हो जाती है। बहुत बहादुर था वो चौकीदार। उसने फ़ौरन से सारे घर को चेक किया, पूरे घर में इसको कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया, जबकि वो औरत और उस बच्चे को उसने खुद वहाँ पर घर में बंद दरवाज़ों के अंदर दाखिल होते देखा।
हमें फ़ौरन फ़ोन करके वो बताता था। फिर एक रात उसके साथ एक बहुत ज़्यादा डरावना हादसा हुआ। वो अपने कमरे में सो रहा था तो वो कहता है कि रात 2:30 बजे का टाइम था, तो बाकायदा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है, जबकि वो रात को अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोता था। कहते हैं कि कमरे का दरवाज़ा खुला तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वहम हो, मैंने करवट दूसरी तरफ ले ली। दरवाज़ा खुला और कोई वही औरत जो उसको नज़र आती थी वो अंदर आई। उसके सर के बाल खुले हुए थे, बहुत ज़्यादा डरावना चेहरा था। उसने बाकायदा उस चौकीदार को आकर जगाया। जैसे चौकीदार ने अपनी आँखों से उसे देखा, वो चीखे मारने लग गया और बेहोश हो गया। कहीं सुबह उसकी आँख खुली तो वो चारपाई से नीचे बाहर लॉन में पड़ा हुआ था। उसको लॉन में कौन लेकर आया वो नहीं जानता। उसने फ़ौरन से हमें फ़ोन किया, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। हम लोग वहाँ पर जब पहुँचे, बहुत सख्त उसको बुखार था। उसने हमें सारी बात बताई। उसने कहा कि मैंने यहाँ पर नहीं रहना, वो मखलूक मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती है। मेरे सामने बाकायदा औरत के रूप में वो ज़ाहिर हो चुकी है। हमने उसे रिलैक्स किया, उसे छुट्टी दे दी। तो उसके बाद हम लोगों ने ख़ुद वहाँ पर रहने का फ़ैसला किया कि हम लोग एक दो दिन यहाँ पर रहते हैं, देखते हैं कि क्या मामलात हैं यहाँ पर। पहली रात थी हमें अपने उस फार्म हाउस में। अक्सर हम लोग वहाँ पर फंक्शन वगैरह किया करते थे, लेकिन कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ नहीं था। शायद हम लोग वहाँ पर रात नहीं रुकते थे, हम लोग रात होने से पहले वहाँ से वापस आ जाया करते थे। मैं था, मेरे अब्बू थे और मेरे एक दो दोस्त भी मैंने वहीं पर बुलवा लिए। अब्बू अलग कमरे में सो रहे थे और हम तीनों दोस्त अभी जो वहाँ पर एक और रूम था वहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम लोगों का जो एंट्रेंस डोर है, रात तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम होगा, एंट्रेंस डोर किसी ने खोला है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन से उठा, मैंने कहा कि शायद अब्बू को कुछ चाहिए होगा, वो जागे होंगे। जब मैं बाहर जाकर मैंने देखा तो एंट्रेंस डोर पूरा खुला हुआ था। मैं फ़ौरन से बाहर गया, मैंने देखा मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आया। चौकीदार के कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे बड़ा तजुब हुआ कि चौकीदार के कमरे की लाइट क्यों जल रही है, जबकि चौकीदार तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये लाइट किसने ऑन की है। मैं फ़ौरन से चौकीदार के कमरे की तरफ गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। वहाँ पर एक विंडो भी थी, विंडो में मैंने झाँक कर देखा तो मुझे बाकायदा वहाँ पर कुछ महसूस हुआ, जैसे मैंने किसी शेडो को देखा है। मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करना शुरू कर दिया, मेरे दोस्त भी बाहर आ गए, दरवाज़ा बंद था। हम लोगों ने जैसे उस दरवाज़े को पूरी पावर के साथ हम लोगों ने इस दरवाज़े को धकेला, वो दरवाज़ा खुल गया। अंदर जाकर हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उस कमरे में से इस हद तक अजीब तरह की एक स्मेल आ रही थी कि वहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा रहा था। जैसे गोश्त की स्मेल होती है, काफ़ी दिनों से अगर कोई मीट कहीं पर पड़ा हो और उसकी स्मेल आती है, वैसी स्मेल थी। हम लोगों ने दरवाज़ा बंद किया, बाहर आए तो एकदम से जैसे चौकीदार के कमरे से बाहर आए तो मेरे दोस्त ने हम लोगों का जो फार्म हाउस की जो बिल्डिंग थी उसके टेरेस के ऊपर किसी को खड़े देखा। उसने बाकायदा मुझे कहा कि वहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। हम लोगों ने गौर किया तो वहाँ पर कोई वजूद था। उसके सर के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, आँखें चमक रही थी और कद इस हद तक उसका दराज हो चुका था कि ऐसे लग रहा था उसका सर आसमान के साथ लग रहा है। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, लहराते हुए बाल। और हम लोगों ने शोर मचा दिया, अबू भी जाग गए। मैंने अबू से ये कहा कि यहाँ पर रात गुजारना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इस जगह पर जन्नात का बसेरा है और हम लोगों ने खुद अभी ये सब कुछ देखा है। अबू का ये कहना था कि जब वो अपने कमरे में जाकर सोए हैं उनको 2 से 3 दफ़ा किसी ने बहुत सख्त डराया है, जैसे कभी उनके पाँव को छेड़ा है, कभी उनको सर की तरफ से किसी ने छेड़ा है। वो कहते हैं कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जैसे बाकायदा उनका जैसे सीने के ऊपर किसी ने बोझ डाला, वज़न डाला और वो चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे। फिर वो जब अब्बू ने हमें इसलिए नहीं बताया कि हम लोग खौफज़दा हो जाएंगे, रात का टाइम था, वापस जाना इतना ईजी नहीं था। खैर रातों रात हम लोग वहाँ से वापस आए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वहाँ पर पढ़ाई करवाएँ, कुछ अमल करवाएँ और वो असरात ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हुए। मिलाकर हम लोगों ने उस जगह को बिल्कुल छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया। बहुत हम लोगों की इन्वेस्टमेंट थी जो सारी वेस्ट होगी। सेल भी नहीं होती वो जगह, रेंट आउट भी नहीं हम उसको कर सकते कि जहाँ पर हम खुद नहीं रह सकते वहाँ पर किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना सेफ नहीं है। ये आज से तकरीबन 7 साल पहले की बात है, हम लोगों की ज़िंदगी की ये कहानी थी। वो चौकीदार दोबारा वापस आया ही नहीं।
जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रजा आपका। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर खजूर का दरख्त नावल की एपिसोड में साथ ही पोस्ट कर रही हूँ, उसको भी ज़रूर विज़िट करें। और बाकी के मेरे जो दो चैनल्स हैं उन पर भी मैं जल्दी काम स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, उनको भी ज़रूर विज़िट करिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।